लॉकडाउन में वंचितों को भोजन कराना पुण्य का काम। अजय सिंह, सभासद वार्ड नंबर 8। सभी सभासदों को इस पुण्य कार्य में आगे आना चाहिए। देवरिया लॉकडाउन में वार्ड नंबर 8 के नगर पालिका सभासद अजय सिंह द्वारा विगत 3 अप्रैल से ही अपने वार्ड में गरीबों वंचितों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन करा रहे हैं। सभासद का साथ मोहल्ले के प्रबुद्धजन के साथ साथ मोहल्ले के युवा भी निस्वार्थ भाव से इस काम में लगे हुए हैं। प्रतिदिन भोजन का मेन्यू भी अलग अलग रहता है। सभासद द्वारा ऐसे लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं, बकायदा उन्हें एक टोकन दिया जाता है। टोकन पर उस परिवार की संख्या लिखी रहती है। जिस परिवार में जितने लोग उतने लोगों के लिए भोजन खाना बनाने के लिए एक बावर्ची और इसमें सहयोग मोहल्ले के युवा करते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को सूखा राशन भी दिया जाता है, जिससे वे अपने घर पर पका कर भोजन कर सके। देवरिया नगर पालिका के कुछ और भी सभासद हैं जो अपने अपने वार्डों में वंचितों को सेवा दे रहे हैं। वहीं सभासद अजय सिंह ने नगर पालिका के सभी सभासदों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना जैसी इस महामारी में सभी को वंचितों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और नगर पालिका सहित देवरिया प्रशासन के काम में हाथ बंटाना चाहिए। देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट। जो आपके यहाँ लॉकडाउन में लोगों को जो वंचित लोग हैं उनको ये आपने भंडारा किया हुआ है घर घर पहुँचाने का, तो कब से हो रहा है ये? 3 अप्रैल से ये कार्यक्रम है। 3 अप्रैल से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश में जो COVID-19 का महामारी फैला हुआ था उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि हम अपने वार्ड में भोजन वितरण का कार्यक्रम करेंगे। जो भी गरीब और निराश्रित लोग हैं जो भोजन नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने भोजन कराने का बीड़ा उठाया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि धन तो रह जाता है लेकिन अगर लोग भूखे सो जाएंगे तो उससे बड़ी विडम्बना कोई नहीं होगी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, वार्ड नंबर 8 के जिम्मेदार और नेतृत्व करने वाले के नाते हम सभी लोगों ने यह निर्णय किया, नहीं हम लोग जितने भी गरीब और निराश्रित लोग हैं उन लोगों को सुबह शाम भोजन कराएंगे, जिससे वो लोग भूखे न सो। मीनू में जैसे पर डे का अलग अलग मीनू है, सोमवार से लेके संडे तक का, रविवार तक का हम लोग का मीनू अलग अलग है। जैसे रविवार को अंडा कढ़ी का मीनू होता है, बुधवार को बेसन और कढ़ी चावल का होता है, फिर सोमवार को चावल दाल सब्जी होता है, फिर मंगलवार को तहरी कर दिया जाता है, शनिवार को फिर तहरी कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग का मीनू चलता रहता है। ये जो आपके साथ में सहयोग में लगे हुए हैं कौन-कौन लोग हैं? हमारे साथ के जितने भी सहयोगी हैं, संजय सिंह, मनोज सिंह, दिनेश प्रजापति, भागीरथी भैया, नीलेश दुबे, बिट्टू सिंह, छोटू सिंह, अंशु श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, मन्नी, जैसे जितने भी हमारे छोटे भाई हैं जैसे उमंग, इन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह 6 बजे ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भोजन जैसे ही हलवाई बना के तैयार करते हैं, इन सभी लोगों के माध्यम से पैकिंग का कार्यक्रम चालू हो जाता है। 10:30 बजते हम लोग भोजन वितरण कर देते हैं, क्योंकि 200 की संख्या में भोजन पैक करना होता है, तो ये सारा काम इन लोगों के माध्यम से होता है। हम तो बस एक नेतृत्व करता है लेकिन सहयोग इन लोगों का है कि इन्हीं लोगों के वजह से हम लोग का वार्ड का नाम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है और हम लोग इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो हमारे तरफ से इन सभी भाइयों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों को सादर प्रणाम और शुभकामनाएं कि ये भविष्य में भी ऐसी किसी भी संकट में आए तो ये हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहे। इन सभी लोग को एक बार पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद। लॉकडाउन में नगर पालिका के वार्ड मेंबर होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे देवरिया जनता? देवरिया नगर पालिका में मैं सारी जितने भी सभासद हैं 2500 वार्ड में, मैं सारे सभासदों से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो लोग भी अपने अपने वार्ड में, हम लोग जैसे जितने भी लोग हैं, जैसे जो हर वार्डों में प्रबुद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं,
अगर सारे सभासद उनसे भी बात करें तो जैसा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार का कार्यक्रम भी अन्य वार्डों में हो सकता है, जिससे प्रशासन और नगरपालिका पे इसका भार कम पड़ेगा। और जो भी लोग, जैसे मान लीजिए जितने भी नगरपालिका का भोजन जा रहा है, नगरपालिका बहुत अच्छा कार्य कर रही है जो कि 29 मार्च से भोजन करा रही है हर 2500 वार्डों में। आज के डेट में नगरपालिका में 300 पैकेट का भोजन तैयार होता है जो अन्य वार्डों में जाता है। हम लोग भी अपने वार्ड में, हमारे वार्ड में भी आता था, लेकिन हम लोगों ने जब हमें यहाँ पे भोजन बनाना चालू किया तो हम लोगों ने अध्यक्ष जी से कहा कि मैंने कहा कि आप हमारे वार्ड के जो भोजन आता था उसका हिस्सा भी अन्य वार्डों में पहुँचाएँ, जिससे वहाँ के लोग और लाभान्वित हो सके। देवरिया वासियों को लॉकडाउन में आपको क्या संदेश देना चाहिए कि घर में रहें या बाहर में? नहीं, सबसे बड़ी बात तो है कि ये देवरिया है, देवरिया देवों की भूमि है, देवों की भूमि के नाम से ये जाना जाता है और देवों की कृपा से ही आज तक यहाँ पे ये ग्रीन जोन में रहा हुआ है। इसके लिए सभी देवरिया वासियों को हार्दिक बधाई, क्योंकि उन्होंने मोदी जी और योगी जी के जो ये लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है उनके आदेशों को इन्होंने माना और पूरी तत्परता से इस पे अमल किया। ये सबसे बड़ी बात है हमारे देवरिया जनपद के लिए कि हमारे यहाँ एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं पाया गया। और इन सभी के लिए सारे देवरिया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि इन सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबको जागरूक किया। हम लोग भी अपने वार्ड में सबको यही कहते हैं कि आप लोग घरों में रहिए, आप लोगों के पास जो भी ज़रूरी सामान है, सब्जी फल वगैरह, वो सारा चीज़ प्रशासन द्वारा हम लोग के पास आता है, हम लोग उनके घरों के पास पहुँचाते हैं। सब्जी का हुआ, जैसे राशन की दुकान हो गई, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग के वार्ड में आती हैं प्रशासन द्वारा और हम लोग अपने नेतृत्व में उसको हर जगहों में पहुंचाते हैं।